हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी आई है यूपी मेट्रो में। आपका इसमें बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। आपका सिविल लोगों के लिए आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल के लिए आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आया हुआ है। तो आइए हम आज जानते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है और क्या क्या इसमें एज लिमिट रखा गया है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम इसमें जानते हैं। देखिए, ये हमारा वेबसाइट है सरकारी, जो कि इस पर बहुत सारी वैकेंसियाँ जो आती रहती हैं, अपडेट होते रहते हैं। देखिएगा, नेम ऑफ पोस्ट जो दिया है मेट्रो का, यूपी मेट्रो असिस्टेंट मैनेजर है, जेई है, अकाउंट असिस्टेंट है, ऐसे कई वेरियस पोस्टेड हैं। देखिएगा, जो डेट दिया है 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें जो दे रखा है आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, 1/11/2022 से 30/11/2022 तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। देखिए क्या क्या पोस्ट है उसको नीचे हम आपको बताएंगे। उसके पहले थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या है इम्पोर्टेंट। जो आपका अप्लीकेशन शुरू होगा बढ़ने 1/11/2022 से होगा और इसका लास्ट डेट जो है वो 30/11/2022 को है। और वो जो फीस हमारा फीस पेमेंट होगा और फीस जमा होगा वो हमारा 30/11/2022 को लास्ट डेट होगा उसका। इसमें आपका एग्ज़ाम डेट भी दिया हुआ है 2/3/2023 को और एडमिट कार्ड जो इशू होगा वो आपको 15/12/2022 को। अप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ दिया हुआ है। आपका जनरल हैं अगर आप, और जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका ₹590 लगने वाला है। अगर आप एससी एसटी हैं तो ₹236 लगने वाले हैं। ये सारे जो भी फीस होंगे वो आप किसके थ्रू दे सकते हैं, ऑनलाइन फ्री मोड, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या पे बाई फ्री थ्रू ऑफलाइन फीस पेमेंट ई चलान मोड ओनली, इस तरीके से ये एक्सेप्ट करेंगे आप इसका पेमेंट। और इसमें देखिएगा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि इसमें एज जो इन्होंने दे रखा है वो आपका 1/11/2022 को मिनिमम जो होना चाहिए 21 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 28 साल होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ और भी है, एज इलेक्शन एक्स्ट्रा एज फॉर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन रिक्वायरमेंट रूल्स, जो आपको आरक्षण दिया गया है मिला है एज को लेकर या जो और भी उसमें है वो जो होगा आपके उसके पर आपको उसमें छूट मिलेगी। और देखिएगा क्या क्या पोस्ट है, सबसे पहले हम पोस्ट देख लेते हैं। देखेंगे पोस्ट नेम है असिस्टेंट मैनेजर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर एसएनटी, अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट एचआर। देखिएगा इतने सारे पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट जो है कितनी जगह है, असिस्टेंट मैनेजर सिविल 16 जगह हैं, जिसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या मांगा है, बीई या बीटेक डिग्री होना चाहिए आपका सिविल का, मिनिमम 60% होना चाहिए और एससी के लिए 50% होना चाहिए। वहीं पे असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है वो है आपका 8 पोस्ट है, उसमें भी आपका बीई बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में और 60% होना चाहिए और एससी के लिए 50% होना चाहिए। इसी तरह का आपका अगला है असिस्टेंट मैनेजर है एसएनटी, और 5 पोस्ट हैं इसकी, बी या बीटेक डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, या इक्विपमेंट इंजीनियर विथ 60% होना चाहिए और एससी के लिए 50%। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट में आपका एक जगह है सीए पास एग्ज़ाम चाहिए इसमें। जूनियर इंजीनियर सिविल में देखिएगा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर विथ मिनिमम 60% होना चाहिए आपका, एससी एसटी के लिए 50 होगा, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल उसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपका 60% होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए और 60% होना चाहिए और एससी एसटी के लिए 50 होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर एसएनटी इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आपका होना चाहिए, 60% होना चाहिए और 50% एससी के लिए। अकाउंट असिस्टेंट 2 जगह हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स से 60% और एसटी के लिए है 50%। ऑफिस असिस्टेंट एचआर 1 जगह है जो कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम किसी भी डिग्री होनी चाहिए आपका, बैचलर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 60% इसमें होना चाहिए। अब दिया है कि जो आपका उत्तर प्रदेश मेट्रो रिक्वायरमेंट्स 2012 एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट डिटेल, कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम हो सकता है उसका डिटेल दे रखा है। आपका लखनऊ हो सकता है, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा और मुजफ्फरपुर
ओनली। देखिएगा इसके बाद क्या इसमें दिया है, हाउ टू फिलअप मेट्रो रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म टू राउंड, हम कैसे इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड है हमकी अब भरने के लिए। देखिएगा पहले इन्होंने दे रखा है कि जो आप अप्लाई करेंगे वो 1/11/2022 से करेंगे, 30/11/2022 तक का इसका डेट है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए उसकी बता रहे हैं, आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस डिटेल्स होना चाहिए, बेसिक डिटेल होना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं कि काइंडली रीडिंग स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट फॉर्म, फोटो साइन होना चाहिए आपका, आईडी प्रूफ होना चाहिए इत्यादि, और आपका कैंडिडेट टू पेइंग एप्लीकेशन मस्ट सबमिट इफ यू नॉट रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस फ्रॉम एवर फ्रॉम नॉट कम्प्लीटेड, ठीक है। एक प्रिंट आपको फाइनल ले लेना होगा। अब देखिएगा इसके नीचे दे रहा है एप्लीकेशन जो अप्लाई होगा वो कब से लिंक आपका एक्टिव हो जाएगा, 1/11/2022 से डाउनलोड नोटिफिकेशन है यहाँ पे, रिज्यूम सीवी मेकर इमेज वो तो आपका सरकारी रिजल्ट का अपने हिसाब से देता है, आप कर सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन में हम लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या क्या है हो रहा है, डाउनलोड कर लेते हैं इसको और आपको इसको खोलते हैं देखते हैं। देखिएगा इसमें भी वही सारी चीज़ें पोस्टें दे रखी हैं, आप 21 से 29 साल तक का होना चाहिए। और देखिएगा यहाँ पे एक बहुत समझने वाली चीज़ है, देखिएगा एक चीज़ दे रखा है यहाँ पे आपका कैसे सिलेक्शन होना है उसके बारे में भी, आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिसमें थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सरकारी रिजल्ट कॉम जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको इसमें बताएंगे, रिटन टेस्ट है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्ज़ाम आपका, आपका क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश और हिंदी में आपके दोनों होंगे, आपके आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। और आपको सिलेबस इसका देखना हो तो भी आप जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। और पेपर जो आपका होगा 2 घंटे का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें आपको। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी बॉन्ड होगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद का है। अगर आप सिक्योरिटी पोस्ट के लिए हैं तो 94,400 होगा। अगर आप जूनियर सिविल इलेक्ट्रिकल या जेएसटी अकाउंटेंट एचआर वगैरह हैं तो आपके 35,400 रुपये इस जमा होने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं वहाँ पे, डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी और ये सारी चीज़ें आप जाके वहाँ देख सकते हैं। आपका जो चालू होने वाला है 1/11/2022 से आपका एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।